एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज शाम से हम बहनों के खाते में 1,000 रुपया डाल रहे हैं। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कुछ सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे, लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत जरूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मेरी जिंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1,000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहां 1 रुपया चला गया है। 5,00,000 पे और कोई जरूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे। और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी।